వరంగల్ తూర్పు నియోజకవర్గంలోని అబ్నస్ ఫంక్షన్ హలో ముస్లిం మైనారిటీ నాయకులు తెలంగాణలో జరుగుతున్న రాష్ట్ర శాసనసభ ఎన్నికల సందర్భంగా వరంగల్ తూర్పు నియోజకవర్గం నుండి మైనారిటీలందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి కొండా సురేఖని బలపరుస్తూ బ్యాలెట్ బాక్స్ లోని రెండవ నంబర్పై ఓటు వేసి కొండా సురేఖని అఖండ మెజారిటీతో గెలిపించడానికి ఈ రోజు సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ముస్లిం మత పెద్దలు నాయకులు కొండా సురేఖకి సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించడం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా ఆల్ ఇండియా మైనారిటీ చైర్మన్ రాజ్యసభ మెంబర్ इम्रान प्रताप गारी कर्नाटक एमएलसी जाफर खान वरंगल पार्लमेंट इंचार्ज दालवी माजी एमएलसी कोंडा मुरलीधर राव करीमबाद दर्गा पीठाधिपति उबेद बाबा काजीपेट दर्गा पीठाधिपति कुसुर पाशा मरियु बशीर सेठ सादिक माजी कॉर्पोरेटर ईदगा प्रेसिडेंट सैयद वजीम मोहम्मद अयूब ताहिर तदितरुलु मुस्लिम मत पेद्दलु मैनारिटी नायकुलु कार्यकर्तलु भारी संख्यलो पाल्गोन्नारु. और आपको पूरा बड़े मेरे का बड़ा बड़ा आदमी है, इसलिए एक ही बात बोल रहा हूँ आपको, कुछ आदमी को कभी नहीं है हमारा पुत्री लेखकर मुझे क्रोध में है, आप भी देने का तैयार है. मैं बोल सोचे आगे सफाई का कई को करे ये लाल में लेके जा रहे और डीसी में लेके जा रहे हमारा काम. मैं सोचे कोई भी मुसलमान मिले तो वो गाड़ी रोक के वो करते, कोई भी हिंदू वाला भी मिले वो काम नहीं करते. मैं पार्टी भाई से कोई भी मर गए तो भी 500 से स्टार्ट करके अभी 50,000 तक दे रहे, अभी दे रहे. आप एक ही बात इमरान गढ़ का साफ का सुनने का आया, मैं दो बात कुछ भी नहीं बोलता हूँ. अभी भी मैं अल्लाह के कसम और बाबा का और हुजूर पाशा का कसम और बशीर सर का कसम आपके साथ है. इतिहास कह रहे हैं
तेलंगाना की गद्दी पर बिठाया। आपने ये सोचा कि वो सेकुलरिज्म के आलम पर तार है? नहीं, गलतफहमी है आपकी। अपनी आंखों में चढ़ा हुआ केसीआर की मोहब्बत का चश्मा उतारो अपने के साथियों। मैं देश की पार्लियामेंट में बैठता हूँ, राज्यसभा में बैठता हूँ, मेरी इन्हीं आंखों ने देखा है कि जब जब नरेंद्र मोदी को केसीआर के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, चाहे वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, मेरी महिला सुने, चाहे वो ट्रिपल तलाक का बिल हो या कोई भी बिल हो, बीआरएस या तो भाजपा के सपोर्ट में वोट करती है या वॉकआउट कर जाती है। और वॉकआउट का मतलब भी सपोर्ट करना ही होता है। आपको लगता था कि केसीआर आपकी मोहब्बत में सेकुलरिज्म का झंडा उठाएंगे? नहीं। अभी नरेंद्र मोदी जब दो हफ्ते पहले आपके सूबे में आए तो उनका बयान सुना आपने या नहीं सुना? मैं सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि केसीआर मेरे पास आए थे अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनवाने के लिए। ये किसका बयान है? नरेंद्र मोदी का बयान। वैसे मैं नरेंद्र मोदी की तमाम बातों को झूठ मानता हूं, लेकिन इस वाली बात को मैं सही मानूंगा, क्योंकि ये जरूर कह रहे होंगे। और जब मीडिया के साथियों ने केसीआर से पूछा कि नरेंद्र मोदी जी ने तो ये कहा कि आप चीफ मिनिस्टर बनवाने के लिए केटीआर को मोदी के पास गए थे, तो केसीआर ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इतनी पर्सनल बातें नहीं शेयर करनी थी। कौन कौन सी पर्सनल बात छुपाओगे केसीआर साहब? कैसे छुपा पाओगे बीजेपी से अपना रिश्ता? पूरे देश में ईडी ने, सीबीआई ने, इनकम टैक्स ने अपोजिशन के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारियां की। राहुल गांधी तक को बुला के 55 घंटे ईडी ने पूछताछ की, लेकिन क्या कभी बीआरएस के किसी नेता के घर ईडी आई? केसीआर के घर आई? जिस जुर्म में दिल्ली का डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी जेल काट रहे थे,